जो है वो बजट पेश कर रही है। प्रदेश के विकास में संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती, आवश्यकता है एक नेक और विकास परक सोच तथा स्पष्ट लक्ष्य की। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, प्रदेश का सर्वांगीण व समावेशी विकास। लक्ष्य पूर्ति हेतु हम स्वयं के संसाधन बढ़ाएंगे, केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं को पूरी लगन से लागू करेंगे तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से प्रदेश के विकास को गति देंगे। यह बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि पिछले एक वर्ष और वर्तमान वित्तीय स्थिति में जितनी बाह्य सहायतित परियोजनाएं स्वीकृति हुई हैं उतनी पहले कभी नहीं हुई। मैं ऐसी कुछ ही योजनाओं का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ। टिहरी क्षेत्र को ब्रांड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने तथा स्थानीय समुदायों की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सस्टेनेबल टूरिज्म विकसित करने हेतु ₹1,930 करोड़ की परियोजना लागत से होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टिहरी लेक एंड इट्स कैचमेंट परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। बागवानी के समग्र विकास हेतु 526 करोड़ लागत की बाह्य सहायतित परियोजना उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेतु समझौता पत्र 31 मार्च 2022 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एवं विपणन संबंधी गतिविधियां सुदृढ़ करना। इसके अंतर्गत नर्सरी, उत्कृष्टता केंद्र, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन संबंधी गतिविधियां सम्मिलित हैं। हमें विश्वास है यह परियोजना औद्योगिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के समूह को सशक्त करने, उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ने, परंपरागत उपज को प्रोत्साहित करने, उनकी आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य के साथ आगामी 7 वर्षों के लिए आईएफएफ द्वारा वित्त पोषित रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट ₹771 करोड़ का अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित हो गया है। यह किसानों की आय को दुगुना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने में एक सशक्त प्रयास होगा। देहरादून मसूरी क्षेत्र यातायात व्यवस्था को सुचारू करने, जाम से मुक्ति पाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उद्देश्य से सड़कों का चौड़ीकरण एवं इलेक्ट्रिक बसों की खरीद आदि घटकों के लिए 1,750 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन देहरादून एंड मसूरी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो गई है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास के क्षेत्र में कुल ₹4,847 करोड़ की 2 परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। 2,025 करोड़ की इंटीग्रेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हल्द्वानी परियोजना की स्वीकृति दिनांक 29 दिसंबर 2021 को प्राप्त हुई है तथा 2,812 करोड़ की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टाउन्स की स्वीकृति दिनांक 23 दिसंबर 2021 को प्राप्त हुई है। पेयजल आपूर्ति के लिए 2 महत्वपूर्ण बाह्य सहायतित परियोजना स्वीकृत हुई है। 38 दूरस्थ व छोटे नगरों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन गुणवत्ता युक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जायका के सहयोग से ₹1,600 करोड़ परियोजना लागत से उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट तथा देहरादून एवं उपनगरीय क्षेत्र हेतु सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के लिए सौंग नदी पर लगभग 2021 करोड़ की लागत से बाह्य सहायतित सौंग पेयजल बांध योजना भारत सरकार से स्वीकृत हो गई है। 952 करोड़ की परियोजना लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भारत सरकार से स्वीकृत हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट है कि पहल 2021 से 31 मई 2022 तक लगभग 14,387 करोड़ की बाह्य सहायतित परियोजना की सौगात केंद्र सरकार ने हमको दी है। यही नहीं, विगत 5 वर्षों में विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं व अनुदानों के माध्यम से हमें महत्वपूर्ण सहायता भी प्राप्त हुई है। महालेखाकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के में कुल 28,075.88 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार इन 5 वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त वार्षिक अनुदान का औसत
5,615,18,000,000 था 2017-18 से 2021-22 तक 55,841.03 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार औसत वार्षिक अनुदान रुपए 11,168.21 करोड़ रहा है। निश्चित ही यह डबल इंजन की सरकार का ही कारण संभव हुआ है। महालेखाकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में कुल पूंजीगत प्रवेश 21,364 करोड़ था, जबकि 2017-18 से 2020-21 तक 4 वर्षों में ही 24,052 करोड़ का पूंजीगत प्रवेश हो गया था। यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान रुपए 7,112 करोड़ को सम्मिलित किया जाए तो 2017-18 से 2021-22 के 5 वर्षों में कुल रुपए 31,164 करोड़ का पूंजीगत प्रवेश हुआ है। इस प्रकार 2012-13 से 2016-17 की तुलना में 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि में 45.87% की वृद्धि हुई है। यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए और राज्य के भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा अवसंरचना के विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में 894 करोड़ का पूंजीगत सहायता स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य घटकों से सशर्त पूंजीगत सहायता मिलने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत लोक निर्माण, ऊर्जा, पर्यटन, शहरी विकास, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, युवा कल्याण आदि अनेकों विभागों की परियोजनाएं आच्छादित की जा रही हैं। हमारे राज्य के सुनहरे भविष्य के लिए यह योजना एक संजीवनी बनकर आई है। इसीलिए हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि समयबद्ध तरीके से योजना का पूर्ण पालन किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2022-23 के आय व्यय से सम्मानित सदन को अवगत कराने से पूर्व मैं किसानों, उद्यमियों, व्यवसायियों, शिक्षकों, चिकित्सकों, माताओं, बहनों व युवाओं को यह पंक्तियां समर्पित करता हूं। वो खून पसीने की स्याही से सबकी किस्मत लिखते हैं, उस फौलादी नींव पर हम विकास पथ पर बढ़ते हैं, हम विकास पथ पर बढ़ते हैं। अब मैं 2022 के आय व्यय से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। नियोजन, वित्त और प्रशासन। माननीय अध्यक्ष जी, समुचित नियोजन के बिना विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि राज्य में संचालित योजनाओं का समुचित अनुवेक्षण हो, संसाधनों की अभिवृद्धि के अनुवरत प्रयास हो, मित व्ययता हो, समुचित कानून व्यवस्था हो तथा नवाचार व नवीन प्रौद्योगिकी को निरंतर बढ़ावा मिले। ई गवर्नेंस प्रणाली के अंतर्गत राज्य में विभिन्न विभागों में संचालित परियोजनावार कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की ऑनलाइन पोर्टल ई आकलन से समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में 5 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु एक कैपिटल डैशबोर्ड तैयार किया गया है। प्रदेश में संचालित की जा रही बाह्य सहायतित परियोजनाओं के ऑनलाइन अनुसरण हेतु ईएपी डैशबोर्ड तैयार किया गया है। राज्य योजना आयोग की वेबसाइट www.spc.uk.gov.in के माध्यम से बेस्ट प्रैक्टिसेस आमंत्रित किए जाने की सुविधा प्रारंभ की गई है। वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने व उनके कौशल विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उत्तराखंड द्वारा देश की कई नामी संस्थानों के साथ पहली बार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया है। संस्थान ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद तथा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हैदराबाद के साथ प्रदेश के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल विकसित करने एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी अनुबंध किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान द्वारा 2,200 कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व अभिवृद्धि के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर विभाग के तत्वावधान में विभिन्न नवाचारी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। एक विवेकपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के माध्यम से संभावित क्रामचंद टैक्स इवेजन के जोखिमों को कम किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में क्रामचंद को रोकने तथा प्रवर्तन इकाइयों की प्रभावी मॉनिटरिंग
किए जाने हेतु मुख्यालय पर कंट्रोल रूम का गठन किया जाना प्रस्तावित है। ई वे बिल प्रणाली के विश्लेषण को प्रभावी बनाए जाने हेतु राज्य सरकार पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम परियोजना के माध्यम से वीडियो एनालिटिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग के द्वारा सूचनाओं का डाटाबेस तैयार किए जाने का कार्य प्रस्तावित है। जीएसटी के उपभोग आधारित कर प्रणाली होने के कारण उत्तराखंड राज्य के उपभोग स्वरूप का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है ताकि तदनुरूप राजस्व अभिवृद्धि हेतु कार्यनीति बनाई जा सके। करदाताओं के मध्य जीएसटी अनुपालनाओं का अधिक प्रचार प्रसार किए जाने के लिए हमने गंभीर प्रयास प्रारंभ किए हैं। जन जागरूकता के विभिन्न विषयों को भी विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अधिकाधिक व्यापारियों को पंजीयन प्राप्त किए जाने हेतु प्रोत्साहित करने तथा पंजीकृत व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के दोहरे उद्देश्य व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाती है। बजट पूर्व संवाद के दौरान व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में अभिवृद्धि का सुझाव आया था। इस आयोग में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 5 लाख की बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष जी, निबंधन कार्यालय में कंप्यूटराइजेशन व पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन किए जाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आम जनता की सुविधा हेतु व कार्य प्रणाली सरल बनाते हुए संपत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्रवृत्त सर्कुलर दरों को ऑनलाइन प्रदर्शित किए जाने हेतु GIS एप्लीकेशन प्रणाली को अपग्रेड कर और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे आमजन को संपत्ति के स्थान के अनुसार सर्किल दर पर उसका मूल्यांकन करना अधिक सुविधाजनक होगा। निबंधन कार्यालय में ऑथेंटिकेशन EKYC व वर्चुअल प्रेजेंस के माध्यम से कार्य संचालित कराने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्थापना को सुदृढ़ करने से संबंधित सुधार किए जाने प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु यथोचित प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, शासकीय कार्य को पूर्णतः पेपरलेस करने की कार्यवाही गतिमान है, जिसके अंतर्गत 31 मई 2022 तक लगभग 2,646 आहरण वितरण कार्यालयों द्वारा 75,500 कार्मिकों तथा 1,19,000 पेंशनरों के कुल 53 लाख पृष्ठों को डिजिटाइज